पिछली बार पेपर लीक हुआ, बड़ी सख्ती की, गिरफ्तारी की, इस बार भी पूरा प्रयास करेंगे, कहाँ बेईमानी की उनके खिलाफ़ पूरी कार्रवाई करेंगे और ये प्रयास करेंगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं। देखो पिछली बार पेपर लीक हुआ, बड़ी सख्ती की, गिरफ्तारी की, इस बार भी पूरा प्रयास करेंगे, कहाँ बेईमानी की उनके खिलाफ़ पूरी कार्रवाई करेंगे और ये प्रयास करेंगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं। हमारे दिल्ली हाईकमान स्पष्ट कहा है कि बोलने का मंच पार्टी के मंच पर बोलो और बाहर किसी तरह की किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करें। हमारे दिल्ली हाईकमान स्पष्ट कहा है कि बोलने का मंच पार्टी के मंच पर बोलो और बाहर किसी तरह की किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करें। राज्य सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुई है उन सब की पेपर लीक होते जा रहे हैं, परीक्षाएं नियंत्रित नहीं होती जा रही है, जिससे मतलब बेरोजगार युवा हताश है। देखो पिछली बार पेपर लीक हुआ, बड़ी सख्ती की, गिरफ्तारी की, इस बार भी पूरा प्रयास करेंगे, कहाँ बेईमानी की उनके खिलाफ़ पूरी कार्रवाई करेंगे और ये प्रयास करेंगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं। सर जो आप सबसे बड़े जिले की मांग ये है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय खोला जाए, आपका ये विभाग है, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरफ से आपको हायल चल रही है, इस जल्दी खोल दें। और सर एक हरीश चौधरी का एक बयान आया है राज्य सरकार को लेकर, गहलोत सरकार को लेकर, उन्होंने आरएलपी को जो तीसरी पार्टी है राजस्थान में उसको बताया कि अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे दिल्ली हाईकमान स्पष्ट कहा है कि बोलने का मंच पार्टी के मंच पर बोलो और बाहर किसी तरह की किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की शपथ लेने के 4 साल पूर्ण होने पर कांग्रेस सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की गई, जितने भी विकास कार्य किए गए, उन तमाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन इस कार्यक्रम से पहले किया गया। आप खुद महसूस कर रहे हैं जो पिछले बजट में, इससे पहले बजट में जो घोषणाएं की, वो आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तमाम के लिए हितकारी थी, लाभकारी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछली सरकार बीजेपी की थी तो पचपदरा के अंदर मीटिंग की थी रिफाइनरी को चालू करने के लिए। जैसे ही सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया, रिफाइनरी चालू की, साथ ही किसान मजदूर तमाम के लिए बजट में घोषणाएं की गई। आप देख रहे हो किसानों के लिए 1,000 रुपये बिजली के बिल खाते में डालने के प्रावधान किया गया, उससे कई किसान ऐसे हैं उनके बिजली के बिल बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। 30 यूनिट तक बिजली फ्री की गई, 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट किया गया, साथ ही 300 यूनिट तक 2 रुपये किए गए। इसके अलावा चिरंजीवी योजना है, उसका आम आदमी को फ़ायदा मिल रहा है। पहला स्टेट पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान है, 10 लाख तक की दवाई जांचें सब फ्री की जा रही है, दुर्घटना होने पर 5 लाख का बीमा साथ में रखा गया। इसके साथ साथ जो JJM है, जल जीवन मिशन है, उसके तहत बाड़मेर में नर्मदा से 2 स्कीमें मंजूर की गई है। राजस्थान के नाल से जो पानी आ रहा है उसमें कई स्कीमें मंजूर की गई, कई प्रोसेस में है, कई नए स्कीमों का नल जोड़ने का काम, SR का नल, घर घर नल का काम चल रहा है। JSS बने हैं, 132 के बने, 33 के बने, 232 के बने हैं। स्कूल की बात करें तो पूरे उपखंड पर कॉलेज खोले गए हैं, 3 कृषि कॉलेज खोले गए हैं और कम से कम 283-284 के आसपास प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खोली गई है। बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर मेडिकल कॉलेज खोला गया है, नई CAC बन रही है। कुल मिलाकर के पिछले 4 सालों में बेहतरीन काम हुआ है, चाहे पेंशन का क्षेत्र हो। आप 2003 में वाजपेयी ने पेंशन बंद की थी, पहला स्टेट है माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ओल्ड पेंशन को बंद की, नई पेंशन नीति लागू की गई है। इसके तहत हमारी जो छत्तीसगढ़ में सरकार, उन्होंने स्कीम लागू की है, पंजाब में भी और नई स्कीम ओल्ड पेंशन को पुनः लागू किया गया है। ओल्ड पेंशन लागू होने से उस कर्मचारी को ये महसूस हो रहा है कि बुढ़ापे में मेरा सारा ही मेरा पेंशन है। ये
माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया, उसके बाद भी घोषणा की है। आप लोग महसूस खुद ने देखा होगा कि जब पुरानी पेंशन लागू की बहाल की गई तो जिला मुख्यालय पर तमाम संगठनों ने माननीय गहलोत साहब का, कांग्रेस सरकार का अभिवादन किया, उन्हें धन्यवाद दिया। आप एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कोई घोषणाएँ लागू नहीं की गई हो। तो मेरा इस मौके पर यही कहना है कि जो योजनाएं लागू की गई उनका बार बोर्ड लगा हुआ है, कम से कम 200-250 योजनाएं, उन तमाम का एक बाकायदा, उन क्या क्या काम हो सकता है, क्या क्या स्कीम है, उन तमाम का एक माननीय जिला प्रशासन कलेक्टर साहब ने एक गैलरी के अंदर बोर्ड तैयार करके लगाया। तो मैं यही कहूँगा इस मौके पर, और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि जो 4 साल में किया है वो बेमिसाल है। और जो बजट 12 है, बजट 2 महीने पहले आएगा, उस बजट के अंदर हमारे जो विधायक हैं जो भी बात रखेंगे उन विधायकों की बात मान करके वो भी बजट में घोषणा करेंगे। कोई भी काम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं मतलब लोग मांगते थके, मैं देता नहीं थका, ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, उसी अनुरूप आने वाला बजट आएगा। गहलोत साहब ने कहा कि हम युवाओं के लिए समृद्ध बजट होगा, तो कई नौकरियों के दरवाजे भी खुलेंगे, उनमें जो बेरोजगार उनके भी अनुदान मुआवजा राशि भी बढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर के ये 4 साल की स्थिति रही है कि बीजेपी की जो जन आक्रोश रैली थी, उन जन आक्रोश रैली के अंदर लोग नहीं जुटे, जिला मुख्यालय पर नहीं जुटे, गाँव में नहीं जुटे, यहाँ तक राजधानी के अंदर जो नड्डा साहब आए थे, नियत समय से 2 घंटे लेट हुए, फिर भी वहाँ लोग नहीं आए, उनको नोटिस देना पड़ा कि लोग आप क्यों नहीं लाए। तो यही कारण है कि आज की तारीख में कोई सरकार के प्रति एंटी इंकेप्सी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज मेरे साथी मेवर राम जी, पद्मा राम जी, हमारे चेयरमैन साहब, जिला प्रशासन पूरा बैठा है, जो भी कमी बेसी है इस बजट में पूरी करेंगे। धन्यवाद जय सर। आज